बेटा तूने देखा कि नहीं, हमारे भारत देश ने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा था ना, वो चांद पे पहुंच गया। 384,400 किलोमीटर दूर से पहला संदेश भी भेजा है। मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ। देखा टपुड़ा, आजादी से पहले हमारे देश को बैलगाड़ी का देश माना जाता था, आज हमारा देश उपग्रह पे उपग्रह भेज रहा है। हाँ दादाजी, देखना एक दिन हम चांद पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोलेंगे। ओ, चांद पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच? हाँ पापा। तू भी शेख चिल्ली की तरह कहाँ से कहाँ पहुँच गया? शेख चिल्ली क्या शेख चिल्ली, बराबर तो सोच रहा है। अरे इसमें बराबर क्या है बापू जी? अरे बराबर ही तो है, आज चांद पे यान गया है, कल इंसान जाएगा, और एक बार इंसान चांद पे पहुँच गया तो वो घर बसाएगा, और घर बसाएगा तो टीवी और फ्रिज भी खरीदेगा ना? नहीं, फ्रिज नहीं खरीदेगा बापू जी। क्यों, फ्रिज क्यों नहीं खरीदेगा? चांद पे कितना ठंडा होता है। तुझे कैसे मालूम, तू गया है चांद पे? अखबार में पढ़ा है बापू जी। अरे भाई नटू काका। हाँ बोलिए नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग बोलिए सेठ जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? चोरी हो गई है। चोरी हो गई दुकान में? चोरी हो गई? फोन स्पीकर पे कर। नटू काका, भागा भाई, आप लोग वही नहीं है, मैं अभी टपू सेठ को लेकर आता हूँ। हाँ मैं भी चालू पांडे जी को लेकर पहुँचता हूँ। अरे एक मिनट सेठ जी, टपू सेठ जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, चोरी दुकान में नहीं हुई है। दुकान में चोरी नहीं हुई तो कहाँ चोरी हुई है? हमारे गाँव में। अरे तो उसके लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या आपका गांव का सरपंच हूँ? अरे एक मिनट सेठ जी, आप पूरी बात तो सुनिए, चोरी हमारे गांव के मंदिर में हुई है। हाँ तो मैं तुम्हारे गांव के मंदिर का पुजारी भी नहीं हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो भाई? मंदिर में चोरी? हाँ मंदिर में। हाँ बापू जी। अरे मंदिर में कैसे चोरी होगी? वो क्या हुआ बापू जी, कल रात को गांव में बहुत बारिश हो रही थी और नदी के पानी का बहाव भी बढ़ रहा था, तो मंदिर के पुजारी को लगा कि पानी का बहाव मंदिर के अंदर आ जाएगा और मंदिर डूब जाएगा। इस डर से वो मंदिर छोड़ के गाँव चला गया। पानी का बहाव तो मंदिर में नहीं आया, लेकिन कुछ चोर मंदिर में आए और पूरी दान पेटी उठाकर भाग गए। सर लोग दुनिया में, एक तरफ हमारा देश चांद पे यान भेज रहा है और दूसरी ओर मंदिर जैसी पवित्र जगह पे चोरी हो रही है। मुझ में नहीं आता इंसान तरक्की कर रहा है या अधोगति। अच्छा नटू काका, अभी ये बताइए, ये चोरी की बात बताने के लिए आपने मुझे क्यों फोन किया? मैं पुलिस भी नहीं हूँ। मैं समझाता हूँ सेठ जी, अभी क्या है, श्रावण महीना आ रहा है और मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होती है। अब दान पेटी तो चोरी हो गई और पूजा में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि इस महीने की पगार आप एडवांस में दे दे तो हम मंदिर में थोड़ा दान कर सके। हाँ जरूर, मैं अभी दुकान आते ही आपको चेक दे दूंगा। सेठ जी चेक में थोड़ा टाइम निकल जाएगा, आप मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे प्लीज? हाँ कर दूंगा, ठीक है। जिठिया हमारी तरफ से भी 11,000 भेज देना। बापू जी मैं भी अभी वही सोच रहा था। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, अभी आप फोन रखिए, मैं पैसे भेजता हूँ। हाँ सेठ जी दीजिए पापा, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ ले कर दे, ये लीजिए पिन डालिए। कोई डाल दे? नहीं नहीं पापा, आप अपना पिन नंबर मुझे मत बताइए। क्या मत बताना, तो मेरा बेटा है। बेटा तो क्या हुआ पापा, सरकार कहती है कि हमें हमारा पिन नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। शाबाश बेटा शाबाश, ये लीजिए। हो गया हो गया, सीख कुछ टपुड़ा से सीख, अपना पिन नंबर देने चला। सॉरी, चले बापूजी। हाँ नहीं नहीं मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे जेठिया कल 15 अगस्त है, तो दुकान में कोई अच्छी सी स्कीम रखी है कि नहीं? अभी रखी नहीं है बापूजी, बस अभी दुकान जाते ही नटू काका मैं और बागा हम तीनों मिलकर कुछ अच्छी सी स्कीम सोच कर रख दे। चलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा। हाँ बेटा जय जी जय जी।
ओह नो, पापा से 15 अगस्त के बारे में बात करना तो रह गया। कोई बात नहीं, पापा दुकान से आ जाएंगे, उसके बाद बात करता हूँ।